हेलो फैंस, आज हम बड़े घेर वाली सलवार की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये हमारा बेल्ट है ऊपर का 6 इंच का, फोल्ड करने के बाद। और ये हमारी साइड वाली पट्टी है, इसकी लंबाई हमने 36 इंची ली है। ये हमारी साइड वाली पट्टी है जिसमें हम सलवटे डालने वाली कलियन जोड़ेंगे। तो दोस्तों, अब हम ये हमने हमारा साइड वाली कलिया है जो हम साइड वाली पट्टी में जोड़ेंगे। इन कलियों का आसन हमने 9 इंची का लिया था और ये कलिया हमारी 27 इंची लंबी है। नीचे से हम इस सलवार को चूड़ीदार की तरह रखेंगे और ऊपर से इसको फुल घेर वाली बनाएंगे। तो इसलिए हमने साइड वाली पट्टी के साथ में चौड़ी कलिया स्टिचिंग करनी स्टार्ट कर दी है। हम दोनों साइड में एक एक कलिया जोड़ेंगे। जो हमने 15 इंच की साइड वाली पट्टी कटिंग की है उसमें हमने कलियां जोड़ी है, और ये जो स्पेस है नीचे का इसको हम चूड़ीदार की तरह रखेंगे। हमने 10 इंची का लगभग स्पेस खुला रखा है नीचे का। एक साइड वाली पट्टी कली हमने जोड़ ली है पट्टी में, और इस तरफ में दूसरी कली हमने पट्टी के पास में जोड़ ली है। तो ये जो बीच वाली पट्टी है उसकी साइड में दोनों कलियां जॉइंट कर ली है। अब हम इस पार्ट को, जो हमारा बेल्ट है ऊपर का वो 42 इंची का है, तो इसमें हम 11 इंची छोड़ करके और बाकी की कपड़े पर हम सलवट डालेंगे। तो ये हमने कट का निशान लगा दिया है। इस कट के निशान तक हम इसमें सलवट डालेंगे। तो कपड़े को आयरन करके फिनिशिंग कर लेते हैं और इस प्रकार से ही हम सलवट डालेंगे। जो हमारा एक पार्ट है उसको हम इस दाएं साइड में सलवट डालेंगे, और जो सामने वाला पार्ट होगा उसको हम बाएं साइड में सलवट डालेंगे। तो ये हमारी सलवट आमने सामने होनी चाहिए। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ऐसी सलवट हाथ से आप डाल करके फिर इसको आयरन से घट जमा लें, ताकि जो हमारी सलवट है जब हम स्टिचिंग करें तो ये सलवट हमारी बराबर बनी रहे और स्टिचिंग करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। जैसे हमारा बेल्ट है 42 इंची है या 40 इंची हो, तो हम 20 इंची, ये पूरा हमारे एक पार्ट का 20 इंची हिस्सा रखते हुए बाकी के जो पूरे बेल्ट बाकी की इस पार्ट के अंदर हम सलवट डाल लेते हैं। पीछे के पार्ट में हम 2 सलवट डालते हैं, बाकी की सारी सलवट हम आगे की पार्ट में डाल लेते हैं। तो ये हमारा देखिए एक पार्ट तैयार हो गया है, और इसी तरह सामने की साइड में हम दूसरे पार्ट को तैयार कर लेते हैं। देखिए इसके सल इस तरफ है और उसके सल सामने, आमने सामने की साइड में हम दोनों में सलवट डाल लेते हैं, और इनको वैसे ही आयरन से फोल्ड करके इनकी घट जमा लेते हैं। ये हमारा सिलाई का हिस्सा है। ये जो आसन है इस पे हम स्टिचिंग करेंगे और इनको उसी प्रकार से हम सलवट डाल लेंगे। 20-20 इंच का हम ऊपर का जो हमारा सिलाई का गेप है वो बेल्ट से जिसे हम स्टिचिंग करेंगे उस कपड़े को हम 20 इंची तक रख लेते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम सलवट डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पार्ट्स में मैंने सलवट डाल ली है, उनको आयरन से घट जमा ली है। अब जैसे जैसे हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारे आयरन डालने हुए सल से बहुत अच्छी स्टिचिंग हो जाती है। हमें बार बार वो सल डालने नहीं पड़ते हैं। बीच की सिलाई को हमने पहले जॉइंट कर लिया है और इसको डबल स्टिचिंग कर लेते हैं। जो हमारे आसन की सिलाई है उसको आप स्टिचिंग करके और डबल सिलाई कर लीजिए, और उसके बाद जो हमारा ऊपर का बेल्ट है वो हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और
मेरी स्टिचिंग पर कमेंट जरूर करें कि आपको कैसे लगती है, आपकी पूरी समझ में तो आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी वीडियो से आपको कुछ न कुछ अवश्य लाभ मिले। तो इस प्रकार से हमने डबल सिलाई करके दोनों साइड पे जो आसन की सिलाइयाँ हैं, बीच आसन की सिलाइयों को हमने स्टिचिंग कर लिया है। और अब हम हमारा जो ऊपर का बेल्ट है जिसको हमने 9 इंच तक लिया है, तो इसको हम 6 इंच तक पैक कर लेते हैं। 6 इंच तक पैक करने के बाद जो हमारा 3 इंच लगभग खुला स्पेस रहता है उसको हम फोल्ड कर लेते हैं डोरी डालने के, जो हम बेल्ट में डोरी डालते हैं उसको, डोरी वाले हिस्से को तैयार कर रहे हैं। 2 इंच हमारी फोल्डिंग में चली जाएंगी और आधा इंच हमारी सिलाई में। इस प्रकार से 3 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था। जो हमारा बेल्ट था उसकी चौड़ाई थी 42 इंची और बेल्ट की और लंबाई थी 9 इंची, तो ये हमारा बेल्ट लगभग 6.5 इंची तैयार रहेगा। बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो सिलाई में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको वो सिलाई में चला जाएगा। तो इस हिसाब से बेल्ट की जो ऊपर की सिलाई है इस कॉर्नर को ऐसे मोड़ करके और हम स्टिचिंग कर रहे हैं। लगभग 2 इंच हमने इसको फोल्ड कर लिया है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमने 2 इंच इसको फोल्ड किया है। 1/2 इंच हमारे नीचे की सिलाई में काम में लेंगे और बाकी की 6.5 इंच हमारी लंबाई में ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारी सलवार 40 इंची लंबाई होगी, इसकी 38 इंची लंबाई हमें बनानी थी और हमने इसको 40 इंची लंबा बनाया है, क्योंकि जो नीचे से थोड़ी चूड़ीदार की टाइप में हमें रखने के लिए इसने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जो बीच का हिस्सा है हमारे बेल्ट का उसको हम आसन के बीच के हिस्से में मिला लेते हैं और फिर स्टिचिंग करने शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे सर जो हमने आयरन से घट जमाए हुए हैं तो वो नीचे वैसे ही वैसे जमे हुए हैं और हम 42 इंची की पूरी बेल्ट की दोनों साइड में सिलाई कर लेते हैं। एक सिंगल सिलाई करने के बाद ऊपर से आप इसको डबल सिलाई से स्टिच कर ले। ये हमारा पीछे का हिस्सा है, देखिए इसको हमने बीच के हिस्से को कट किया हुआ है, इसको पीछे के बीच के हिस्से से मिला लेते हैं। पीछे के हिस्से में हमने 2 सलवट डाले हैं, 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ। ये हम दूसरी साइड के आगे का हिस्सा तैयार कर रहे हैं। आगे के हिस्से से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की थी और पीछे तक की थी एक साइड में, और आप दूसरी साइड से हम पीछे तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें हमने पीछे में इस दाईं साइड में भी 2 सलवट डाल लिए हैं। हमने आगे से स्टार्ट की थी सिलाई और पीछे तक रोक दी और अब आगे से फिर पीछे तक, इस प्रकार से पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नीचे की सिलाई कर रहे हैं, इसको हमने पहले मार्किंग कर लिया है। लगभग 1-1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है उस हिसाब से हमने इसको मार्किंग करके और फिर सीधी नीचे तक सिलाई लगा देनी है। अब देखिए हमने नीचे को इससे चूड़ीदार रखना है, इसको इस हिस्से को हम चूड़ीदार रख रहे हैं, तो ये 6 इंच तक हमारा चूड़ीदार रहेगा। ऊपर से हमारे फुल घेर वाले हैं और नीचे से तो चूड़ीदार है। ये सलवार बहुत आसानी से पहनी जाती है और बहुत अच्छी भी लगती है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा होता है मोहरी होती है वो चूड़ीदार की तरह रहती है और इसे लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ऊपर से ये बहुत लूज होती है। तो ये इस प्रकार की बहुत आसान इसकी सिलाई है सलवार की, फुल घेर वाली सलवार है हमारी और नीचे से सिर्फ चूड़ीदार की तरह है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर कमेंट करें। और ये जो सिलाई स्टिचिंग पूरी हो चुकी है, अब जो नीचे की मोड़ाई है इसको हम नीचे देखिए फोल्डिंग कर लेते हैं, अंदर की तरफ इस प्रकार फोल्ड करके और इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं और सिंगल सिलाई है इसकी। दोनों
हमारे पैर के नीचे के हिस्सों में दोनों में हम इसी प्रकार से फोल्डिंग कर लेते हैं। नीचे की साइड में हमने बुकरम नहीं लगाया है क्योंकि काफ़ी लड़कियां आजकल नीचे से चूड़ीदार की तरह पहनती हैं, तो इसको हमने चूड़ीदार की तरह बनाया है। आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करें। और ये देखिए हमारी सलवार एक साइड से पिकिंग हो गई है, इसी प्रकार से हम इसको दूसरी साइड से कवर कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ऊपर से लूज है सलवार, फुल गेयर वाली है, और नीचे से जो है वो बहुत पतली है, बिल्कुल चूड़ीदार की तरह है और बहुत सुंदर लगती है और बहुत पहनने में बहुत आसान है। तो ये हमने चूड़ीदार के पाइचे की सलवार तैयार कर ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड और अगले वीडियो तक मेरा इंतजार करें। थैंक यू।